वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2024 की तेलुगु हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी तंत्रा को एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में बाथरूम करने के लिए जा रहा होता है। तब उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि जिंदे मुर्गे को मारकर उसका खून पी रही थी। वह बूढ़ा आदमी ये सब देखकर डर जाता है और फटाफट वहाँ से भाग जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। ये मूवी चैप्टर वाइज है जिसमें कि पहले चैप्टर का नाम खून की प्यासी है। फिर हम रेखा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सिंपल और सुशील लड़की है। वह यहाँ अपने पापा और दादी के साथ रहती है। रेखा की दादी रेखा को बाथरूम में गर्म पानी रखने के लिए कहती है और जैसे ही रेखा बाथरूम में गर्म पानी रखने के लिए जाती है तो वह देखती है कि वहाँ एक लड़की रो रही है। पर जैसे ही रेखा की दादी वहाँ आती है वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा के पापा कुमार दादी के पास आते हैं। तब रेखा के पापा के बातों से पता चलता है कि वो रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि रेखा की माँ रेखा को जन्म देते ही भगवान के पास चली गई थी, जिसका सारा कसूरवार कुमार अपनी बेटी रेखा को मानता है। इसके बाद हम तेजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रेखा का बेस्ट फ्रेंड है। रेखा और तेजा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाते हैं जिसका नाम शैलजा और वासु होता है। ये चारों दोस्त रोज़ाना साथ में कॉलेज आते हैं और जाते थे। एक दिन जब चारों साथ कॉलेज जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि रेखा चुपके से तेजा के साथ अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज कर रही है, मतलब कि शायद वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद रेखा एक पेड़ पर देखती है कि एक अजीब सी लड़की अपने आप को फांसी लगा रही है जो कि सिर्फ रेखा को ही दिखाई दे रहा था। रेखा के दोस्त शैलजा रेखा को कहती है कि तुम हर बार इस पेड़ के पास आकर क्यों रुक जाती हो, इस पर कोई भूत है क्या? तब रेखा इसका जवाब नहीं देती। फिर तेजा अपने दोस्तों से कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, दुनिया में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि हमें फील होता है। जिसके बाद तेजा और वासु उसके मामा शंकर के पास जाता है। दरअसल तेजा के मामा काफ़ी ज्ञानी आदमी है जो कि तंत्र मंत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। शंकर अपने भांजे तेजा और वासु को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में ढेर सारी बातें बताकर कहता है कि दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, पर वह होती तो है और अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में अपना काम करती रहती है। तेजा अपने मामा से काले जादू के बारे में पूछता है कि क्या काला जादू सच में होता है। तब शंकर बताता है कि काला जादू सच में होता है जिसके बारे में उन्हें काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा है, यहाँ तक कि महाभारत में भी काला जादू इस्तेमाल किया गया था। ऐसी ढेर सारी बातें शंकर उन लोगों को बताता है। रात को जब रेखा सो रही होती है तब वो लाइट बंद करती है तो उसको अपने पीछे कोई फील होता है। फिर जब रेखा लाइट ऑन करके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रेखा अब डर के मारे चादर ओढ़कर सोने लगती है। तब उसको ऐसा फील होता है कि उसके पास कई सारी आत्माएं हैं जो कि उसको उठाने की कोशिश कर रही है, मगर रेखा सब कुछ इग्नोर करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेखा एकदम से उठती है और अपने घर से बाहर जाने लगती है। तब रेखा की दादी रेखा को बाहर जाता देख कुमार को जगाती है तो हमें पता चलता है कि रेखा को नींद में चलने की बीमारी है इसलिए वो अक्सर बाहर चली जाती थी। कुमार भी अपने माँ को कहता है कि इसका तो रोज़ का काम है नींद में चलने का, आप फिक्र मत करो सुबह वो अपने आप बेड पे आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि रेखा कब्रिस्तान जा रही है, मतलब कि रेखा के साथ सच में कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन रेखा एक मस्जिद में बाबा के पास जाकर बताती है कि कल रात उसको कुछ अजीब सा फील हुआ, उसको ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है, उसको काफ़ी डरावने सपने भी आए थे। तब वो बाबा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एक यात्रा पे जा रहा हूँ, वहाँ से आकर तुम्हें एक ताजे बहन दूंगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे डरावने सपने गायब हो जाएंगे। अब रेखा और उसके दोस्तों के साथ कॉलेज जाते हैं। तब एक आदमी तेजा को उसके घर का काम करने के लिए कहता है पर तेजा मना कर देता है क्योंकि अभी वह कॉलेज जा रहा होता है, जिस कारण उस आदमी को तेजा पर काफ़ी गुस्सा आता है और वह तेजा को सुनाकर कहता है कि तुम्हारी माँ एक वेश्या का काम करके सबको खुश क्या करती थी, तुम्हें पढ़ाई का क्या ज़रूरत है, तुम भी वैसा ही कुछ करो ना। ये सब कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। असल में ये बात भी सच थी कि तेजा की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि अब नहीं है,
और तेजा ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। वासु अपने दोस्तों को रात को मेले में आने के लिए पूछता है, तब रेखा मना कर देती है क्योंकि वह रात में बाहर नहीं निकलती थी, जिसके बाद वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजा चुपके से रेखा को मिलने के लिए उसके घर आया होता है, क्योंकि रेखा के पापा बाहर गए हुए थे। रेखा अब तेजा से उस गांव वाले आदमी के बात करता है जिसने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद वह तेजा को गले लगा लेती है और फिर रेखा और तेजा अब बाहर जाते हैं। तब रेखा तेजा से पूछती है कि तुम्हें उस आदमी की बातों का बुरा नहीं लगा? तब तेजा मना कर देता है, उसको अपनी माँ के वैश्या होने पर कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी अपनी गोद में नहीं खिलाया, अपने से अलग ही रखा, जिस कारण वह अपने माँ से नफरत करता है। और तेजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तेजा अब ये बातें करके काफ़ी इमोशनल हो गया था, तब रेखा उसको सहारा देती है। उसके बाद तेजा और रेखा साथ में पूरा गांव घूमकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। रात को अब तेजा रेखा को उसे घर छोड़ देता है। फिर रेखा अब जैसे ही सोती है उसकी कानों में किसी की आवाज़ आती है कि मुझे खून दो। तब रेखा नींद से उठकर एक चाकू से अपने पैर पर कट मारकर एक गिलास में खून भरती है और खिड़की के पास रखकर सो जाती है। अगले दिन रेखा खिड़की के पास गिलास देखती है जिसमें खून नहीं था। तब रेखा सोचती है कि वहाँ पर गिलास कैसे आया, मतलब कि रेखा को पता ही नहीं था कि उसने रात में क्या किया। रेखा अब दोबारा मस्जिद के बाबा के पास जाती है जो कि रेखा को ताबीज़ बांध देता है। नेक्स्ट दिन में तेजा अपने मामा के पास जाता है। तब तेजा के मामा उसको बताते हैं कि हर हफ्ते जू के पास एक लंबी लाइन लगती है शेर के पेशाब और जानवरों के बाल के लिए, जो कि ब्लैक मैजिक में यूज होता है। तब तेजा अपने मामा से कहता है कि आपको काले जादू के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, आपने कभी काला जादू किया है? तब शंकर बोलता है कि हाँ, मैंने काला जादू दो बार किया है, मगर एक लड़की ने उससे वादा लिया था कि वह काला जादू नहीं करेगा, इसलिए उसने ये सब को छोड़ दिया। शंकर अब अपनी स्टोरी बताता है। बचपन में शंकर को उसके माँ पापा ने छोड़ दिया था क्योंकि वह एक अपाहिज था। तब उसको एक लड़की मिली जिसने उसकी काफ़ी मदद की, जिससे कि वह थोड़ा काबिल बन पाया। शंकर को उस लड़की से प्यार हो गया था, तो उसने काला जादू सीखकर उसे इम्प्रेस करने की सोची। फिर शंकर ने काला जादू के बारे में पता करके एक रिचुअल किया जिसमें उसको एक नंगी लाश के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने थे, जिसके पूरे होते ही उसको कुछ शक्तियाँ मिल जाती। अब जैसे शंकर ने रिचुअल पूरा करने वाला था, तब वह लाश खड़ी हो गई, जिसकी वजह से डर के मारे वह बेहोश हो गया। उसका रिचुअल ख़राब हो गया था, इस कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि काला जादू अगर पूरा ना हो तो वह उल्टा काम करता है। और शंकर की तबीयत अब काफ़ी ख़राब हो गई थी। तब वो लड़की शंकर से मिलने के लिए आई थी, उसने उसको सब कुछ बता दिया, जिससे कि कुछ टाइम बाद उस लड़की ने शंकर से वादा लिया कि वह काला जादू नहीं करेगा, और उन्होंने काला जादू छोड़ दिया था। फिर शंकर बताता है कि उन्होंने एक बार फिर काला जादू किया था जो कि उसी लड़की के ऊपर था। उस काला जादू का नाम वशीकरण था। अब हम चैप्टर 2 देखते हैं जिसका नाम है पटलकुट्टी। एक दिन रेखा, तेजा और वासु एक साथ बैठकर शैलेजा का वेट कर रहा था। फिर जैसे शैलेजा अपने दोस्तों के पास आती है, तब रेखा देखती है कि शैलेजा के पीछे एक डरावनी सी आत्मा है जिसके बारे में रेखा किसी को नहीं बताती। थोड़ी टाइम बाद रेखा तेजा को अपने पास बुलाकर बताती है कि उसको एक मस्जिद के बाबा ने बताया है कि किसी ने शैलेजा के ऊपर काला जादू किया है। और जब रेखा ने बाबा के कहे अनुसार शैलेजा के पास जाकर बाबा के दिए पाउडर पर शैलेजा से थुकवाती है और उसके सामने नींबू रखा, तो शैलेजा रेखा को डराने और धमकाने लगी। और जब रेखा ने बाहर आकर पाउडर चेक किया, तो शैलेजा ने जिस पाउडर पर थुका था उसमें खून था, जिसे साबित होता है कि किसी ने शैलेजा के ऊपर काला जादू किया है और शैलेजा की जान को खतरा है। अगले सीन में तेजा और रेखा शैलेजा के माँ और बड़े भाई को सब बता देता है कि उनकी बेटी पर किसी ने पटलकुट्टी नाम का एक काला जादू किया है, और बाबा ने बोला है कि शैलेजा की 11 दिन तक तबीयत खराब रहेगी, जिसके बाद शैलेजा 5 दिन तक लगातार कब्रिस्तान जाएगी। और छठे दिन काला जादू करने वाला आदमी शैलेजा को अपने पास बुलाकर खून के चावल खिलवाएगा, फिर उसकी अपनी बलि देने को कहेगा, जिससे शैलेजा मर जाएगी। और फिर रेखा कहती है कि अगर हमें शैलेजा को बचाना है तो शैलेजा को खून के चावल खाने से पहले उस तांत्रिक को मारना पड़ेगा, तभी शैलेजा को बचा पाएंगे।
लेकिन शैलजा का भाई इन सभी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसको ये सब झूठ लगता है। अब ऐसे 11 दिन बीत जाता है। 12वें दिन शैलजा रात को कब्रिस्तान जाने लगती है। उसका भाई और वासु फॉलो करके देख लेता है। फिर जैसे ही कब्रिस्तान जाने वाला होता है, तब तेजा उनको रोक लेता है, क्योंकि तांत्रिक को उनके बारे में पता चल सकता था। यह देखकर शैलजा का भाई को अब रेखा के बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है कि रेखा सच बोल रही थी। और अगले दिन तेजा अपने मामा शंकर के पास आकर पटलकुट्टी मंत्र के बारे में पूछता है, जिससे सुनकर तेजा के मामा शौक हो जाता है, उसके भांजे को ये सब कैसे पता है। तेजा अब अपने मामा को रेखा की सारे बात बताता है। फिर शंकर तेजा को कुमकुम और गंगा जल देता है, जिससे उनको तांत्रिक के पास जाने से पहले लगाना है, जो कि उनका सेफ्टी के काम आएगा। अब कुछ समय बाद वह दिन आता है जब तांत्रिक शैलजा की बलि देने वाला होता है। तांत्रिक शैलजा को वश में कर अपने पास बुलाता है। तब तेजा और उसके दोस्त शैलजा के भाई के साथ वहाँ पर आता है। फिर हमें शैलजा की स्टोरी बताता है कि तांत्रिक शैलजा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल गांव में जब मेला लगा था, तब तांत्रिक ने शैलजा को छेड़ दिया था। तब शैलजा ने गुस्से में आकर तांत्रिक के मुंह पर थूक दिया था, जिससे कि गुस्से में आकर तांत्रिक ने शैलजा को मारने के लिए काला जादू कर दिया। तांत्रिक अब मंत्र पढ़कर शैलजा को खून का चावल खिलाने वाला होता है। तब वहाँ से एकदम से शैलजा का भाई आकर पीछे से उस तांत्रिक का गला काटने के लिए वार करता है, पर वह तांत्रिक शैलजा का भाई का हाथ पकड़ लेता है। मगर इतने में तेजा आकर वो एकदम से तांत्रिक का गला काट देता है, जिससे कि तांत्रिक वहीं मर जाता है और शैलजा होश में आ जाती है, जिससे कि सब ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन शैलजा के फैमिली वाले मस्जिद के बाबा के पास जाकर उसको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण शैलजा बच पाई थी। और शैलजा का भाई अब बाबा को एक सोने का चैन गिफ्ट करता है। अब हमें चैप्टर 3 दिखाता है, जिसका नाम है घुसपैठिया का आना। अब एक दिन एक नामे बड़ा बाबा रेखा के घर के बाहर से गुजरता है। तब उसको कुछ काली शक्तियों का आभास होता है और वह रेखा के दादी से कहता है कि उसे घर में खून पीने वाली बुरी शक्तियाँ हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है, और तुम अपनी पोती को संभाल कर रखना। जल्द ही कोई दुश्मन आने वाला है जो कि रेखा की बलि चाहता है, और तुम्हारी अब देवी माँ ही रक्षा कर सकती है। यह कहकर वह बाबा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में अब रेखा रात को सोती है, तब उसको दोबारा से कानों में वही आवाज़ आती है कि मुझे खून दो। तब रेखा दोबारा अपने खून को एक गिलास में भरकर खिड़की के पास रखती है। और फिर अगले दिन जब रेखा उठकर देखती है तो वह गिलास खाली था, पर उसको तब भी पता नहीं था कि वह गिलास यहाँ कैसे आया। अब हम एक बड़े तांत्रिक को देखते हैं, जिसका नाम विक्टी होता है। विक्टी एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर तांत्रिक है, जो कि किसी को भी अपने वश में करके कुछ भी करा सकता है। विक्टी अब रेखा के गांव में आकर सब लोगों से किसी राजेश्वरी नाम की औरत के बारे में पूछता है। तब गांव वाले बताते हैं कि कुछ समय पहले इस गांव में राजेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी, पर उस पर किसी ने काला जादू किया और वह मर गई। विक्टी अब कुछ और लोगों से राजेश्वरी की जानकारी लेता है। तब एक अम्मा विक्टी को बताती है कि राजेश्वरी तो मर चुकी है, पर उसकी बेटी इसी गांव में रहती है, जिसका नाम रेखा है, और वह अपने दोस्तों के साथ रोजाना कॉलेज जाती है। फिर वह अम्मा विक्टी से पूछती है कि तुम कौन हो और राजेश्वरी की बेटी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब विक्टी कहता है कि मैं रेखा की मौत हूँ, जिसके बाद विक्टी उस अम्मा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे कि अम्मा को दौरे आते हैं और वह पैरालाइज हो जाती है। विक्टी अब रेखा के कॉलेज के बाहर आकर एक नींबू रखता है। दरअसल विक्टी को पता नहीं था कि रेखा कौन है और कैसी दिखती है। अब जब रेखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर आती है तो वह नींबू रेखा की ओर बढ़ने लगता है और रेखा नींबू के ऊपर पैर रख कर चली जाती है, जिससे विक्टी समझ जाता है कि रेखा यही है। विक्टी अब अपने अड्डे पर जाकर उस नींबू से अपने काला जादू की तंत्र विद्या को शुरू करता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी खतरनाक किन्नर की आत्मा को, जो कि रेखा के पास आती है, और वह आत्मा रेखा के बाल पकड़कर उसको बुरी तरह से घसीटकर विक्टी के पास ले जाने लगती है। तब रेखा के हाथों में देवी माँ की एक फोटो आ जाती है, जिस कारण से वह किन्नर की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन रेखा मस्जिद के बाबा के पास जाकर सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तब वह बाबा रेखा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इधर विक्टी भी रेखा को अपने पास बुलाने के लिए काला जादू का प्रयोग करता है, पर बाबा के मंत्र के कारण विक्टी का काला जादू फैल हो जाता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर रेखा को कोई मुझसे बचा नहीं पाएगा, मैं इसको जल्द ही मार दूंगा।
रात को अब वो बाबा जंगल से जा रहा होता है, तब उसको एक बड़ी डरावनी आत्मा दिखती है जो कि उस बाबा को बेरहमी से मार डालती है। फिर अगले दिन वासु तेजा के पास जाकर बताता है कि मस्जिद के बाबा को किसी ने मार डाला है, ऐसा लगता है कि यह सब काला जादू से किया गया है, मतलब कि शायद यह विक्ट्री कर सकता है। तेजा फटाफट रेखा के पास जाता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद बाबा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह रेखा की मदद कर रहा था। फिर अगले सीन में तेजा अपने मामा शंकर के पास आकर बताता है कि मस्जिद के बाबा को किसी ने मार दिया है जो कि रेखा की मदद कर रहा था, मतलब कि रेखा की जान को खतरा है। तब शंकर तेजा को एक स्वामी जी के पास जाकर बात करने के लिए कहता है जो कि तेजा की मदद कर सकता है। अब रात को रेखा फिर से नींद में चलकर बाहर जाने लगती है, तब रेखा को एकदम से होश आता है और वह उसके सामने उसकी माँ की आत्मा देखती है जो कि थोड़े टाइम बाद गायब हो जाती है। रेखा अब डर के मारे अपने घर वापस लौट आती है। इधर तेजा अपने मामा से बातें करके पहले की स्टोरी पूछता है कि जब आपने उस लड़की के साथ वशीकरण किया तो आगे क्या हुआ। तब शंकर बताता है कि जिस लड़की को वह प्यार करने लगा था उसकी किसी और से शादी होने वाली थी, तब उन्होंने काला जादू की मदद से उस लड़की को वश में करके उसके पास बुलाया। जब वो लड़की शंकर के पास आई तो उसके हाथ में एक माता की मूर्ति थी। वह लड़की शंकर से कहती है कि तुम्हारा वशीकरण मेरे पे नहीं चला, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, पर मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं करूँगी। दरअसल उस लड़की के पिताजी शंकर से इसलिए शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उन दोनों के कास्ट अलग अलग थे। फिर उस लड़की ने शंकर से वादा लिया कि तुम मुझे भूल जाओगे और ये काला जादू छोड़ दोगे, इसलिए तेजा के मामा ने काला जादू छोड़ दिया था। अब अगले दिन तेजा अपने मामा के बताए हुए स्वामी जी के पास जाकर सारी बातें बताता है जो कि रेखा के साथ हो रही थी। तब वो स्वामी जी और तेजा रेखा के लिए एक पूजा शुरू करते हैं। फिर स्वामी जी एक नारियल रखकर तेजा को कहता है कि अगर ये नारियल माता की मूर्ति की तरफ सीधा घूमेगा तो रेखा सुरक्षित होगी, लेकिन अगर यही नारियल उल्टा घूमने लगा तो रेखा की जान को खतरा है। स्वामी जी पूजा शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तब वो नारियल उल्टा घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विक्टी अपने अड्डे पर रेखा के लिए काला जादू कर रहा है, जिससे रेखा के घर में रेखा को कुछ अजीब सी फील होने लगता है और उसके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। उसके बाद रेखा को खून की उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से बाल का गुच्छा भी निकलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद विक्टी के पास जो काला जादू की डॉल होती है वह जलकर ख़त्म हो जाती है, जिससे कि रेखा वापस नॉर्मल हो जाती है। इधर स्वामी जी के पास रखा नारियल भी सीधी दिशा में घूमने लगता है, मतलब कि रेखा सुरक्षित थी जो कि सब बाबा जी की वजह से हुआ था। यहाँ विक्टी को अब काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जब भी वह रेखा को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा होता है तो कोई जादुई शक्ति उसको रोक रही थी, इसलिए विक्टी कहता है कि रेखा कभी ना कभी तो मेरे हाथ आएगी ही। अब हमें चैप्टर 4 दिखाता है जिसका नाम है वर्धमान महाकाली। खैर तेजा रेखा के पास आकर उसको गला लगा लेता है क्योंकि वह बच गई थी। उसके बाद तेजा रेखा से 3 सवाल पूछता है जो कि शायद रेखा को पता थे। पहला सवाल यह था कि जब तेजा मस्जिद के बाबा के पास की उन्होंने शैलजा के काला जादू को तोड़कर उसकी जान बचाई थी, तब उन्होंने रेखा को कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी बात यह थी कि जब तेजा मस्जिद के बाबा को मरने के बाद विक्टी के पास गया, उसने बाबा को मारने और रेखा को पीछे पड़ने के कारण पूछा तो विक्टी ने कहा कि मैंने किसी बाबा को नहीं मारा, मुझे बस रेखा चाहिए, जिसके बाद उसने अपने मंत्रों की मदद से तेजा को हवा में लटका दिया था। और तीसरी बात यह थी कि जब तेजा स्वामी जी के साथ रेखा के लिए पूजा करवा रहा था, तब पूजा के बाद स्वामी जी ने बताया कि रेखा की जान अब खतरे में नहीं है, पर इसकी वजह उसकी पूजा नहीं बल्कि कोई और शक्ति है जिसने काला जादू की मदद से रेखा को बचाया है। जब तेजा ने गांव वालों से काला जादू करने वाले के बारे में पूछा तो उसको पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा है, मतलब कि रेखा रात को नींद में नहीं बल्कि खुद कब्रिस्तान जाती थी ताकि वह काला जादू करके खुद को बचा पाए। तेजा इन सभी बातों का जवाब मांगता है, तब रेखा तेजा को कहती है कि तुम्हें मेरा सच जानने के लिए पहले मेरी माँ के बारे में जानना होगा, और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि रेखा की माँ कोई और नहीं बल्कि तेजा के मामा की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम राजेश्वरी होता है। राजेश्वरी के अंदर देवी माँ आया करती थी जिसकी मदद से गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाया करते थे। फिर एक दिन कुमार नाम के एक आदमी ने रेखा को देखा,
जिसके बाद उन दोनों के आपस में प्यार हुआ और कुमार ने रेखा के पापा से बातें करके उससे शादी कर ली। फिर कुमार ने स्वागरात के दिन राजेश्वरी को बताया कि वह नामर्द है और उसने प्लान करके राजेश्वरी से शादी की, क्योंकि उसको पता था कि राजेश्वरी किसी को उसके बारे में नहीं बताएगी क्योंकि इससे तो उसकी इज्जत ही घटेगी। यह सुनकर राजेश्वरी को काफ़ी बुरा तो लगा, पर वह कुमार से कहती है कि कोई बात नहीं है, हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं हुए तो क्या हुआ, हम साथ में तो रह सकते हैं। लेकिन कुमार काफ़ी साइको टाइप का आदमी होता है। वह रोज़ राजेश्वरी को उल्टा सीधा बोलकर कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे तो कई लड़कों के साथ संबंध रहे होंगे। यह सब कहकर कुमार राजेश्वरी को टॉर्चर करने लगता है और ऐसे ही राजेश्वरी के साथ आए दिन होता रहता था। फिर एक दिन विक्टी कहीं से जा रहा होता है तो उसको राजेश्वरी दिखती है, जिसको देखते ही विक्टी उसके प्यार में पड़ जाता है। अब हमें चैप्टर 5 दिखाता है जिसका नाम है वैलिडिटी। विक्टी अब राजेश्वरी को हासिल करने के लिए कुमार से दोस्ती करता है और धीरे धीरे विक्टी कुमार का काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन जाता है। कुमार भी विक्टी को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर एक रात विक्टी कुमार को कहता है कि राजेश्वरी कब तक ऐसी ही रहेगी, कुछ दिनों बाद तो गांव वालों को पता चल ही जाएगा कि तुम नामर्द हो, क्योंकि राजेश्वरी को बच्चा नहीं होगा। तब कुमार कहता है कि इसलिए तो मैं राजेश्वरी को रोज़ रात को टॉर्चर करता हूँ ताकि राजेश्वरी आत्महत्या कर ले और उसका राज दब जाए। जिस पर विक्टी कुमार से कहता है कि तुम्हारे तरीके से राजेश्वरी को मारने में काफ़ी टाइम लगेगा, पर मेरे पास एक आइडिया है कि हम राजेश्वरी को काला जादू की मदद से मारेंगे जिससे कि वह जल्दी मर जाएगी। ये सब सुनकर कुमार भी मान जाता है और उसके बाद कुमार विक्टी के कहे अनुसार राजेश्वरी को बाल कपड़े और नाखून विक्टी को लाकर देता है, जिसके बाद विक्टी कुमार को एक मंत्र बताकर उसको 7 दिन तक चावल में खून मिलाकर राजेश्वरी को खिलाने के लिए कहता है। और कुमार राजेश्वरी के साथ ऐसा ही करता है जिससे राजेश्वरी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और फिर 7वें दिन विक्टी काला जादू को शुरू करता है। तब राजेश्वरी दुल्हन के तहत तैयार होकर आती है क्योंकि वह विक्टी के वश में हो गई थी। और जो काला जादू विक्टी ने राजेश्वरी को ऊपर किया था उसका नाम वजवल रेड्डी था। तभी प्रेजेंट में एकदम से रेखा के पापा उनके घर आ जाता है और तेजा रेखा के पापा से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तेजा अब अपने मामा के पास जाकर वजवल रेड्डी के मंत्र के बारे में पूछता है, जिसके सुनते ही तेजा के मामा शॉक्ड हो जाता है। फिर वह तेजा को वजवल रेड्डी के बारे में बताता है कि जिसमें तांत्रिक सबसे पहले वजवल मंत्र सीखता है। इसमें तांत्रिक अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से पानी अंदर लेना सीखता है और उसके बाद दूध और फिर मरकरी लिक्विड को, जिसके बाद तांत्रिक इस कला में माहिर हो जाता है। और इस काले जादू में तांत्रिक और स्त्री संभोग करते हैं, जिसमें तांत्रिक अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से सामने वाली स्त्री की उम्र और खूबसूरती खींच लेता है, जिसके बाद तांत्रिक उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई सालों तक जी पाते हैं। अगले दिन तेजा रेखा के पास आकर उसको उसके आगे की स्टोरी पूछता है। तब रेखा बताती है कि उसकी माँ तांत्रिक रिचुअल के अनुसार संभोग कर रहे थे। तब एकदम से विक्टी का दिमाग ख़राब हो गया और वह नॉर्मल संभोग ही बनकर रह गया। फिर ये काला जादू फेल हो गया तो इसका असर उल्टा हो गया और विक्टी ही पागल होकर गांव के बाहर भाग गया। लेकिन उस काला जादू की वजह से काली शक्तियाँ राजेश्वरी को भी परेशान करने लगी। तब राजेश्वरी ने खुद को मारने की सोची, पर उसको पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, जो कि विक्टी की वजह से हुई थी क्योंकि वह दोनों इंटीमेट तो हुए ही थे। उसके बाद राजेश्वरी ने रेखा को जन्म दिया और उसी के साथ उसकी मौत हो गई। मतलब कि रेखा विक्टी की बेटी है। रेखा अब तेजा को बताती है कि उसकी तंत्र मंत्र विद्या की वजह से उसको कुछ शक्तियाँ मिली है जिससे वह आत्मा को देख सकती है, और रेखा को उसकी माँ का आत्मा भी दिखती है। उसने ये सब उससे और गाँव वालों से इसलिए छुपाया क्योंकि अगर ये बात गाँव वालों को पता चल गई तो वह शायद रेखा को गाँव से निकाल देंगे। रेखा तेजा के सवालों का जवाब भी देती है। शैलिजा पर ब्लैक मैजिक हुआ तो वह बैबा को नहीं बल्कि उसको पता चला था, जिसको उसने शैलिजा की फैमिली को बताकर सॉल्यूशन बताया। और जिस बाबा के पास वह गई थी, वह बाबा तो तंत्र विद्या के नाम पर लड़कियों के साथ गलत काम करता था, तो उसने एक आत्मा की मदद से उस बाबा को मरवा दिया ताकि वह और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ना कर पाए। फिर रेखा तीसरी बातों का जवाब देकर कहती है कि मेरी माँ को पता था कि विक्टी दोबारा ज़रूर आएगा, उनकी आत्मा ने मुझे तंत्र विद्या सिखाई जिसकी मदद से उसने खुद को विक्टी से काला जादू से बचा पाया, जो कि स्वामी जी ने तेजा को बताया था। रेखा फिर तेजा को उसके राज बताती है। रेखा को हर पूर्णिमा की रात को खून चाहिए होता है,
तब वह इंसान की तरह नॉर्मल रह सकती है। मतलब कि मूवी की शुरुआत में जो लड़की मुर्गी का खून पी रही थी वह रेखा ही थी। बचपन में एक रात जब रेखा खून पी रही होती है तब उसको तेजा की माँ ने देख लिया, जिसकी डर से वह भाग गई और ट्रक नीचे आकर मर गई। मतलब कि तेजा की माँ के मरने की वजह रेखा ही थी। इसी के बाद से रेखा खुद का खून गिलास में डालकर पीती है ताकि उसकी वजह से किसी को कुछ ना हो। तेजा अपनी माँ की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और रेखा से गुस्सा से होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर तेजा अपने मामा से पूछता है कि जिस लड़की से वह प्यार करते थे वह रेखा की माँ राजेश्वरी थी क्या? तब शंकर बताता है कि हाँ, और वह बताता है कि उनको पता चल गया था कि राजेश्वरी की शादी किसी और से हो गई थी। तब वह दारू पीकर राजेश्वरी को दूर से देखने लगा और ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर एक दिन शंकर को पता चला कि विक्टी राजेश्वरी के लिए काला जादू कर रहा है। तब उसने विक्टी को खाने में नशीली पदार्थ मिला दिया, जिससे कि विक्टी उस दिन मंत्र भूल गया और उसका संभोग नॉर्मल संभोग बनकर रह गया। इससे उसका काला जादू फैल हो गया और वह पागल होकर गांव के बाहर चला गया। साथ ही शंकर बताता है कि उसको भी रेखा की तरह राजेश्वरी की आत्मा दिखती है, और जिस दिन विक्टी ने तेजा को हवा में उठाया था तब राजेश्वरी की आत्मा ने उसको तेजा के बारे में बताया, जिस कारण वह तेजा को बचा पाया था। अब हम चैप्टर 6 देखते हैं, जिसका नाम है चिंता मस्त देवी। अब हम देखते हैं कि विक्टी ने किसी बच्चे के ऊपर काला जादू कर कर उसे मार दिया है, जिसका सारा इल्ज़ाम वह रेखा के ऊपर लगा देता है कि उसने ये सब किया है, उसके अंदर कोई काली जादू शक्तियाँ हैं। उसके बाद गांव वालों की पंचायत बुलाई जाती है, जहाँ विक्टी रेखा के ऊपर और भी कई सारे झूठे आरोप लगाकर उसको पेड़ से बांध देता है और गांव वालों से कहता है कि अगर रेखा के अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं है तो वह अपने आप वापस चली जाएगी, पर अगर उसके अंदर कोई बुरी शक्तियां हैं तो वह आज रात यहीं मर जाएगी। यह कहकर विक्टी किसी को भी आज रात यहां आने से मना कर देता है। अब रात में विक्टी रेखा के पास आकर अपना काला जादू शुरू करके रेखा को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें हर पूर्णिमा खून चाहिए होता है, इसलिए मैंने प्लान करके आज ही कहीं दिन चुना ताकि मैं अपना अधूरा काम पूरा करके तुम्हारे बलि देकर सारी काली ताकतों को अपने वश में कर पाऊँ। यह कहकर विक्टी मंत्र पढ़ता है। तब एकदम से तेजा वहाँ पर विक्टी को मारने के लिए आता है, पर विक्टी काला जादू की मदद से उसको हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद विक्टी अपने मंत्रों में लग जाता है। तेजा बड़ी चलाकी से अपने जीभ को काटकर खून निकालता है और रेखा के मुंह पर टपका देता है। फिर जैसे ही रेखा के मुंह में खून लगता है उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है और वह विक्टी से मंत्रों की मदद से लड़ने लगती है। तब तेजा चुपके से विक्टी के सर पर मारकर उसका मंत्र तोड़ देता है, जिसके बाद विक्टी का ब्लैक मैजिक खराब हो जाता है। अब विक्टी की शक्तियाँ उल्टी विक्टी पर वार करता है और उसको नोच नोच कर खा जाता है, जिससे विक्टी वहीं मर जाता है। और फिर रेखा तेजास को कहती है कि मुझे तुम्हारे माँ की आत्मा भी दिखती है, जो कि हमेशा तुमसे प्यार करती है, पर उन्होंने तुम्हें कभी दिखाया नहीं। यह सुनकर तेजा काफ़ी खुश होता है और वह अपने माँ की आत्मा से माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें गलत समझा। फिर अगले दिन तेजा और रेखा माता की पूजा करते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।